दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फिफ्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक डारमेंसी तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉमेंसी होता क्या है यानी कि हम कैसे डॉर्मेंसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके अलावा जानेंगे कि डॉर्मेंसी कितने टाइप के होते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि हम सीट डारमेंसी को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं यानी कि मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड डारमेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं डॉर्मेंसी इज़ द कंडीशन वेन सीड फेल टू जर्मिनेट इवेन वेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन तो सीड डॉर्मेन्सी होता क्या है तो आपको बता दें कि जो सीड है ठीक है उसके पास एक ऐसा कंडीशन होता है यानी कि सीड के लाइफ में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाता भले ही जो इन्वायमेंटल कंडीशन हो वह उसके फेवरेबल है यानी कि उसको पूरी तरह से हर वो कंडीशन मिल रहा है जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डारमेंसी आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीड डारमेंसी कितने टाइप की होती है तो जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी डॉर्मेंसी इट इज़ एन इनहेरेंट कंडीशन ऑफ ए सीड इमीडिएटली आफ्टर इट्स मेच्योरिटी सम सीड सेड ऑफ द प्लांट्स फेल टू जर्मिनेट इवन इफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल इट इज़ द स्टेट ऑफ प्राइमरी डॉमेंसी कहने का मतलब यह है कि इस कंडीशन में होता है क्या है कि जो सीड है उसके जो इंटरनल कंडीशन है वह उसको जर्मिनेट करने से रोकते हैं जबकि सीड जो है वो मैच्योर है और उसके लिए जो इन्वामेंटल कंडीशन है वो भी फेवरेबल है तो इस तरह की जो डॉर्मेंसी है वो कहलाती है प्राइमरी डोरमेंसी तो आपको बता दें कि प्राइमरी डॉर्मेंसी के कई कारण हो सकते हैं हो सकता है कि जो सीड का सीड कोट हो वह हार्ड हो या फिर कोई केमिकल हो जो कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहे हो तो ये सब कंडीशन आती है प्राइमरी डॉर्मेंसी में नेक्स्ट है सेकेंडरी डॉर्मेंसी री एंट्री ऑफ सीड टू डॉमेंसी व्हेन प्राइमरी डॉर्मेंसी इज़ ब्रोकन इज टर्म एज सेकेंडरी डॉमेंसी यानी कि जब प्राइमरी डॉमेंसी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी जो सीड है वह जर्मिनेट करने से रुक जाता है तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी अब सेकेंडरी डॉर्मेंसी होता क्यों है इट मे बी ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज हायर टेम्परेचर प्रोलॉन्ग्ड लाइट और डार्कनेस और वाटर स्ट्रेस तो अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से जो डॉर्मेंसी है वो हो जाती है तो अनफेवरेबल कंडीशन हो क्या सकता है हायर टेम्परेचर हो सकता है या फिर जो डे लाइट है वो अधिक हो जाए या फिर डार्कनेस जो, जो है वो अधिक हो जाए या फिर वाटर जो है पौधों के लिए कम मौजूद हो तो इस वजह से होता है सेकेंडरी डॉर्मेंसी नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड डारमेंसी की जो कि है स्पेशल डारमेंसी तो इस केस में होता क्या है कि कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट कर लेते हैं लेकिन जो उनका प्राइमरी रूट है वह डेवलप नहीं हो जाता यानी कि उसका डेवलपमेंट फेल हो जाता है जिसकी वजह से एपी लीडन का जो ग्रोथ है वह रुक जाता है तो इस तरह की जो डारमेंसी होती है उसे हम बोलते हैं स्पेशल डारमेंसी फोर्थ है ऑर्गेनिक डारमेंसी तो होता क्या है कि कुछ सीड में जो सीड कोट होते हैं कुछ इतने अधिक हार्ड हो जाते हैं कि उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता जबकि उनके जो जर्मिनेशन पीरियड है वो भी खत्म हो जाते हैं तो इस तरह के डारमेंसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डारमेंसी तो इस तरह की जो डारमेंसी है वो सीड के अंदर तभी आती है जब सीड के अंदर का जो मॉइस्चर है वो चार परसेंट से भी कम हो जाता है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे डारमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं तो इसमें पहला हेडिंग है स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है सम सीड कंटेन जर्मिनेशन इनहिबिटर्स दैट ब्रेक डाउन द वन एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन एक्सपोज द सीड टू कोल्ड टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर्स स्टूमुलेटिंग ए शॉर्ट विंटर तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधों में कुछ केमिकल यानी कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि फिनॉल हो गए एबीसीसिक एसिड हो गए ये क्या कहते हैं कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं तो जब इन सीड को हम कोल्ड टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो ये जो इनहिबिटर्स है वो क्या होते हैं कि खत्म हो जाते हैं इसे हम चिलिंग इंजरी भी कह सकते हैं क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर पर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं अब जब कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद हम इस सीड को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो यह सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है डारमेन्सी को ब्रेक करने का अगला जो तरीका है वो है लाइट तो इसमें होता क्या है कि कुछ वाइल्ड सीड होते हैं ठीक है या वाइल्ड फ्लावर के सीड होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं ठीक तो जब उनको हम लाइट में रखते हैं तो उसमें जो उपस्थित इन्हीबिटर्स है वो क्या करते हैं ब्रेक कर जाते हैं तो ऐसे जो सीड होते हैं कुछ ही कुछ एक्स्ट्रा दिन में जर्मिनेट कर जाते हैं तो ये नहीं कि वो जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में एक चिंता करने की बात है वो अपने समय से एक दो दिन बाद क्या करेंगे जर्मिनेट कर जाएंगे जब हम उन्हें लाइट ट्रीटमेंट देते हैं थर्ड है स्केरिफिकेशन तो अभी हमने ऊपर स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा अब है स्केरिफिकेशन दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें होता क्या है कि कुछ जो सीड होते हैं उनमें इनहिबिटर्स नहीं होते यानी कि जो सीड जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटर्स होते हैं वो नहीं होते लेकिन इनकी जो सीड कोट होती है वो बहुत हार्ड होती है जो कि वाटर के लिए इम्परमीएबल होती है यानी कि पानी जो है उस सीड के अंदर सीड कोट को पार नहीं कर पाता तो इस केस में हम क्या करते हैं कि उस सीड को उस सीड कोट को स्केच करते हैं या फिर हम बालू कागज़ से रगड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं सीड कोट में छेद कर देते हैं या सीड कोट को रिमूव कर देते हैं जिससे कि वाटर जो है वह सीड कोट को पार करके सीड के एम्ब्रियो तक पहुंच सके ठीक है तो इस विधि को ही हम बोलते हैं स्केरिफिकेशन और इस तरह का जो टेक्निक है वो जनरली यूज होता है लेग्यूम फैमिली में यानी कि जो दलहनी वाले फसलें हैं उनमें सीड डारमेंसी को ब्रेक करने का अगला जो तरीका है वो है वाटर सोकिंग सीड इन वाटर ओवर नाइट सॉफ्टनेस ए हार्ड सीड कोट इनफ टू अलाउ मॉइस्चर इनसाइड दैट सीड कैंड जर्मिनेट यानी कि जो हार्ड सीड व सीड कोट वाले जो सीड हैं उनको हम क्या कहते हैं पूरी रात पानी में भिगो देते हैं जिससे कि जो मॉइस्चर है वह सीड के अंदर चला जाता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सीड जर्मिनेशन के लिए और यदि हमें इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे कि बॉयल्ड वाटर में Uh, जो सीड है उनको डुबो देते हैं जैसे कि आसानी से जो वाटर है वह वा चला जाता है सीड के अंदर तो बॉयल वाटर के अंदर तभी हम सीड को भिगोते हैं जब हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए ज़्यादा जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो जनरली वाटर जो बॉयल वाटर है वो यूज़ किया जाता है लिग्यूम के केस में ठीक है जैसे कि गार्डन पी इसके बाद जो अगला टेक्निक है जो कि सीड डारमेनसी को ख़त्म कर सकता है वो है यूज़ ऑफ़ ग्रोथ रेगुलेटर्स तो कुछ जो ग्रोथ हारमोन्स है जैसे कि जिब्राइलिन है साइटोकाइनिन है कैंटीन है इथाइलिन है एसिड है ठीक है तो ये सभी क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं सीड के ग्रोथ को यानी कि ये डॉर्मेन्सी को ब्रेक करके सीड को जल्द से जल्द ग्रोथ कराते हैं तो दोस्तों ये था हमारा सीड डॉरमेंसी से जुड़ा हुआ आज का वीडियो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत